हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन, वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस। जैसा आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में IUPAC नॉमेनक्लेचर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उनकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीटली हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इधर देखिए, जैसे ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया अनसैचुरेटेड, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी अनसैचुरेटेड हो गया। डबल बॉन्ड को आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन के, ठीक है। तो इनके नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, सारे रूल वही रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स रूल को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप इसके पहले की वीडियो आई होप आप सबने देख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। वेल राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड इन एडिशन टू रूल ऑलरेडी डिस्कस। द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी इंक्लूड द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मतलब जो सबसे लंबी चेन है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें फिर एक बार बता देता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। आ समझ में? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट। किसके लिए? नंबरिंग के लिए भी। दस द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इन 1 and 2 कंटेन 4 and 6 कार्बन रिस्पेक्टिवली। बट हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? आप ये भी फॉलो कर सकते हो, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। याद रखना, 4 कार्बन वाला चेन आप फॉलो करोगे, क्योंकि अल्कीन के केस में हमें डबल बॉन्ड लेना होता है। अब इस केस में यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो आप कौन सा ले लोगे? जी, किसी भी एक 3 कार्बन के साथ हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को ले लेंगे, इसको ऐसे। तो ये सही तरीका, ठीक है। आगे देखिए, नंबरिंग ऑफ दिस चेन मस्ट बी डन सच दैट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हैज द लोएस्ट पॉसिबल लोकेट नंबर। सर, ये लोएस्ट लोकेट नंबर क्या है? लोकेट, लोकेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लोकेशन। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, तो इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नंबर दे दीजिए। आया समझ में? अब जरा देखिए, यहाँ इन्होंने करके बताया है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि देखिए जो डबल बॉन्ड है उसको 3 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों किसको मिल रहा है? 1 नंबर। अब कुछ लोगों को डाउट आता होगा कि सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो 3 पे भी है और 4 पे भी है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि डबल बॉन्ड 4 को मिला? डबल बॉन्ड जो पहला कार्बन होता है ना, जिससे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, उसी का मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे? पहले कार्बन पे। बट यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 थर्ड कार्बन पे। ट्रिपल बॉन्ड में भी वैसा ही होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसे ही हम मानते हैं कि वो ट्रिपल बॉन्ड उसी का, ठीक है। आगे देखिए, प्रॉब्लम 14.3 दिया है, हमें कुछ टेबल दिया है जिसे कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टेबल मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट कर दी थी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। द एंडिंग एन ऑफ अल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय इन फॉर अल्कीन एंड आइन फॉर अल्काइन, ठीक है। ये मैंने अपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता के रखा है। मतलब बोलते हैं ना, इन शॉर्ट पूरे IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक छोटा सा निचोड़ दे दिया, तो आप उसे IUPAC के इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखिए, ओके। तो अल्काइन के लिए क्या करोगे? प्रीफिक्स आइन जोड़ोगे, और अल्कीन के लिए इन। पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉलर लोकेट नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ टू मल्टीप्लाई बॉन्डेड कार्बन बिफोर एंडिंग इन और आइन फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब आपको लोकेशन बताना होगा, और कौन सा कार्बन को काउंट किया जाएगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है, जहां से वो स्टार्ट होता है। तो इधर देखिए, जैसे ये हो गया 1, 2,
थ्री फोर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, वन टू थ्री फोर, तो इसको किसका माना जाएगा, वन, तो देखिए ब्यूट वन आई, और इसको क्या माना जाएगा बताइए, इसको माना जाएगा ब्यूट वन इन, ये आइन हो गया और ये इन हो गया, ओके सेम वही चीज स्टार्ट हुई, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ओके इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक नहीं है, तो ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा ना प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, सिंपली आप डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करोगे, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है इसका, ब्यूट, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें, पहले वाले में इन, तो पोजीशन तो हमारे बताना होगा ना, डबल बॉन्ड कहाँ पे, वन इन, क्योंकि ब्यूटीन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, तो इसमें आप क्या बोलोगे, ब्यूट थ्री आ समझ में, सॉरी ब्यूट टू इन, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पर ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, आ समझ में। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर, इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ अ सिलेक्टेड चेन देन द कार्बन आइटम आर नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू फर्स्ट ब्रांचिंग फॉर एग्जाम्पल। ओके अगर दोनों साइड से सेम आ रहा है तो इधर देखिए एक दो तीन, तीसरे पे आया ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहां से देखिए एक दो तीन, यहां से भी डबल बॉन्ड किस पे आया, तीसरे पे, तो आप देखिए मिनिमम नंबरिंग पे सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, तो ये देखिए यहां पे दो पे आ रहा है, तो आप यहां से नंबरिंग करोगे वन टू थ्री, यहां से कर रहे हो तो वन टू थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो लेफ्ट से करने पे दो पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, राइट से करने पे तीन से आ रहा है, तो सही तरीका कौन सा है, लेफ्ट से किया जाने वाला, दिस इज द राइट, समझ में आया। हाँ सर ये भी इसका राइट वे लेफ्ट से होगा, और इसमें तो एक ही तरीका ही है लेफ्ट से राइट, राइट से आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि राइट वाले में तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, वो तो यहाँ पे आने के बाद सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और ये सिक्स हो जाएगा, तो सोचो कहाँ फाइव पे दे रहे हो और कहाँ लेफ्ट से राइट जाते वक्त सेकेंड को ही दे रहे हो, तो हमने तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाया है मेरे दोस्त कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, बोलो बोलो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, लोवेस्ट लोकेंट को देते हैं, अरे सर लोवेस्ट लोकेंट नहीं फंक्शनल ग्रुप को, जी हाँ भाई। आगे देखिए इफ द पैरेंट चेन कंटेन टू डबल बॉन्ड और टू ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज नेम्ड एज डाइन और डायन, समझ में आया, अगर उसके अंदर दो डबल बॉन्ड है या दो ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए ये दो डबल बॉन्ड है तो आप लिखोगे डाइन, और यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे डायन, ठीक है ऐसे, और जब भी ऐसे डाइन या ट्राइन ऐसे कुछ आता है तो वर्ड रूट के आगे ए लगा दोगे, ये देखो ए लगाया ना, ये जैसे ब्यूट है तो ब्यूटा लिख दोगे, पेंट है तो पेंटा लिख दोगे, लेकिन कब, जब डाइन ट्राइन टेट्राइन ऐसे कुछ आए तब, ऐसे ही नहीं। सेवेंथ इफ द पैरेंट चेन कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देन कार्बन आटर आर नंबर फ्रॉम दैट एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियरर, ओके समझ में आ रहा है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से जो मल्टीपल बॉन्ड है वो नियर आ रहा है, सच अ सिस्टम इज नेम्ड बाय पुटिंग इन एंडिंग फर्स्ट फॉलोड बाय आइन, ठीक है ई एन और ये वाई एन, इन किसके लिए डबल बॉन्ड के लिए और आइन किसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, अब क्वेश्चन आता है सर डबल बॉन्ड के लिए तो हम ई एन ई लिखते थे ना, ई एन ई लिखते थे ना, तो यहाँ पे हमने ई को क्यों हटा दिया, समझ में आया, यहाँ पे हमने ई को क्यों हटाया, क्योंकि ए ई वाई ओ यू ये वॉवेल है और जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो हम पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई जो था इसके बाद वाई आने वाला था तो ई को हटा दिया, और याद रखना हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में आई के बदले वाई को वॉवेल मानते हैं, आ समझ में, तो यहाँ पे देखिए ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया और ये फाइव हो गया, तो पेंट पे वन पे भी आया, वन पे ई आया और थ्री पे क्या आया आइन, ये देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन पे क्या आया आइन, फोर पे क्या आया इन, तो हेक्स फोर इन वन आइन, इस तरह से लिखेंगे। आगे देखिए साथ इफ देर इज अ टाई between double and triple bond then double bond gets the lower number then double bond gets a lower number, हमेशा double bond और triple bond होंगे तो हम लोग को कहाँ से start करना है, जहाँ से multiple bond को कम numbering मिले, जैसे देखिए यहाँ पे triple bond first number पे आ रहा था अगर आप left से count करते तो, और यहाँ पे अगर right से count करेंगे तो यहाँ पे double bond कौन से number पे आ रहा है,
सेकेंड पे, तो हम हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे कि नंबरिंग किसको कम मिल रही, मतलब कौन से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा, आया समझ में। और जब टाई हो जाए, दोनों का नंबर सेम हो, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे है IUPAC नेम ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अ सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज नेम्ड बाय अटैचिंग प्रीफिक्स साइक्लो। तो जिन लोगों ने हमारी स्टार्टिंग की वीडियो देखी है साथियों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बताया था साइक्लो जो होता है वो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। साइक्लो इज व्हाट, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब केसेस मैंने डिस्कस किए थे। हालांकि स्पाइरो और बाईसाइक्लो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है ये साइक्लोप्रोपेन, आ समझ में, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। समझ में आया, साइक्लो क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है, और कितने कार्बन है इसमें, एक दो तीन, और इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेन। एन अनसैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज named by substituting in ion etc for n in the name of corresponding cyclo alkane. okay, ab zara dekhiye na, agar saturated monocyclic hydrocarbon is named by in ya ion etc for n in the name of corresponding cyclo alkane, maan lijiye ye agar ek alkane hota to yahan pe double bond aa gaya ab usme, to ab isi ke badle aap isko pehle kya likhte, agar double bond nahi hota to likhte cyclo hexane, लेकिन अब क्या लिख दोगे, डबल बॉन्ड आने की वजह से हेक्सीन, और इसे क्या लिख दोगे, साइक्लोपेंटेन के बदले साइक्लोपेंटीन। बड़ा ही आसान सा है। आगे देखिए, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन द अबव डिस्कस्ड रूल आर अप्लाइड, नंबरिंग ऑफ द रिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम अ साइड, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1 2 3, ओके 1 2 3। अब देखिए हमने नंबरिंग इथाइल से क्यों स्टार्ट कर दी, हम यहाँ से भी स्टार्ट करते तो ये 1 2 3 पे ही आता, मतलब लोकन कौन सा मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है। ऐसे मिथाइल को भी 1 मिलता और इथाइल को भी 3 मिलता, बट याद रखिए जब लोकेशन सेम आए तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है। मैं वापस एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये यहाँ पे ये जो नंबरिंग जो बुक में दिया है उसके अगेंस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया, तो आप क्या लिखोगे, इसको 3 इथाइल, राइट, और क्या लिखते हैं, 1 मिथाइल। बट आप सबको पता है कि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ठीक है, मतलब कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, जब वो पॉसिबिलिटी हो तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां पे अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ज्यादा हो, मतलब वो अल्फाबेट पहले आता है उसका नंबर कम देते हैं। तो इथाइल में अल्फाबेट ई है तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अब यहां पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो देखिए 1 1 और यहाँ पे 3 आ रहा है, और अगर यहाँ से आप करते तो ये आ जाता 1 2 और ये 3, मतलब 1 3 3। तो दोनों में 1 1 आ रहा है, दोनों में 1 1 आ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो दूसरा इसमें 1 आ रहा है लेकिन इसमें 3 आ रहा है। ओके, तो ये लोवेस्ट गिर रहा है, ये क्या गिर रहा है, लोवेस्ट 1 1 3 1 1 3, या फिर इसको लिखते तो क्या लिखते, 3 1 1, सॉरी इसको क्या लिखते, अगर इसको लिखना होता तो आप इसको 1 3 3 लिखते, तो कौन आसान है लिखने के लिए, किसमें लोकेंट कम आ रहा है, 1 1 3 में, तो हम ये वाला अल्फाबेटिकल मतलब ये वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे। तो इसमें कैसे आ जाएगा, 1 1 डाइमिथाइल, नो डाउट पहले 3 का पोजीशन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो 3 इथाइल लिखेंगे, फिर 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इफ अल्काइल ग्रुप कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिंग, मतलब अब ये रिंग और अल्काइल ग्रुप दोनों का है, ओके, द कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, रिंग इज क्रिएटेड एज अ सब्स्टिट्यूट। मतलब ये देखिए यहाँ पर रिंग में कितने कार्बन है, 3, लेकिन अगर इसको आप देखें तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर स्ट्रेट चेन में
स्टेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो तो उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू रिंग। बट अगर एक केस आ जाए जिसमें रिंग भी आ जाए और नंबर ऑफ कार्बन आ जाए और दोनों में कार्बन सेम आ जाए, मान लीजिए ऐसा आ गया कुछ, ओके, रिंग में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम और यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो हम स्ट्रेट चेन को ज्यादा प्रायोरिटी देते और रिंग को क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, याद रखना जब दोनों सेम हो, ओके। ये देखिए यहाँ, ओके, ये स्ट्रेट चेन है तो आप इसको क्या मान लोगे, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सिर्फ तीन है, लेकिन ये रिंग में कार्बन कितने अच्छे, तो ये इसको तीन वाले को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल, क्योंकि अगर आप देखो तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने, एक दो तीन, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अगर यहीं पे डबल बॉन्ड हो जाता तो ये क्या हो जाता, क्या हो जाता बताइए जी, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन हो जाता है, लेकिन अब हमें पोजीशन भी बताना पड़ता, तो ये हो जाता वन और ये हो जाता टू और ये हो जाता थ्री, ना जी, बिल्कुल नहीं, आप एकदम गलत सोच रहे हो, तब ये होता वन और ये होता टू और ये थ्री हो जाता, तो ऐसे आ जाता ना थ्री आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन, ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं किससे, सब्स्टिट्यूएंट से। ये था हमारा नॉमनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन का, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे फंक्शनल ग्रुप को इनको याद रख लीजिए और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को याद रखिए, तो ये हमें बहुत ही आसानी होगी इनका नाम लिखते हुए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फंक्शनल ग्रुप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।